नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बिहार में आज कई सीटों पर मतदान हो रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि एक तरफ जहां पूर्णिया सीट हॉट सीट बन चुकी है, तो दूसरी तरफ शाहनवाज हुसैन, जो कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और भागलपुर के पूर्व सांसद हैं, उनको टिकट न दिए जाने से उनके इलाके में लोगों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। भागलपुर सीट से गठबंधन एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी अजय मंडल को लेकर के लोगों में भारी रोष दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि भागलपुर इलाके की नवगछिया उपमंडल से जब तेली गांव के लोगों ने मताधिकार का बहिष्कार कर दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि पिछले वक्त में जो सांसद थे, उन्होंने एक दिन भी यहां पर इलाके में आकर के लोगों की जन समस्याएं नहीं सुनी, लोगों के लिए काम नहीं किया, और यहां पर अब लोगों ने जो है मताधिकार का बहिष्कार कर दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी नाराजगी है और इसको देखते हुए हम अब भारतीय जनता पार्टी या एनडीए समर्थित उम्मीदवार को यहां पर मतदान करने की सूरत में नहीं है। ऐसे में पूर्णतया यहां पर मतदान का बहिष्कार किया गया है। इसके साथ साथ छुटपुट घटनाएं भी सामने आ रही हैं। कहीं पर ईवीएम में खराबी की खबरें सामने आई हैं, तो कहीं पर हंगामे की खबरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने शाहनवाज हुसैन का टिकट भागलपुर से काट करके और एक बड़ा झटका कहीं ना कहीं यहां पर शाहनवाज हुसैन को दिया है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोशिशें हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी उन तमाम चेहरों को चुनावी मैदान से दूर रखना चाहती थी जो या तो नॉन परफॉर्मिंग कैंडिडेट साबित हो रहे थे या फिर उनके नाम पर बड़े विवाद उत्पन्न हुए हैं। ऐसे में भागलपुर सीट एक हॉट सीट मानी जाती है। बिहार में 40% से अधिक संख्या में मुस्लिम मतदाता इस सीट पर मौजूद हैं। शाहनवाज हुसैन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से लेकर नरेंद्र मोदी सरकार तक बड़े यहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी संगठन में पदों पर रहे हैं, और जिस तरीके से तमाम कोशिशों के बाद भागलपुर सीट से उनको चुनावी मैदान में नहीं उतारा गया, यह उनके लिए एक चौंका देने वाला फैसला था। ऐसे में अब देखना यह होगा कि प्रशासनिक अधिकारी जो कि नवगछिया उपमंडल पहुंचे हैं, वहां पर जब तेली गांव के लोगों से उन्होंने अपील की है कि आप मतदान करिए और प्रशासन आपकी मदद करेगा, आपकी जो भी जन समस्याएं हैं उन पर सुनवाई होगी और उसी आधार पर आगामी वक्त में जो तमाम विकास कार्य हैं उनको अमली जामा पहनाया जाएगा। लेकिन इस बीच ग्रामीणों में भारी रोष देखने को मिल रहा है और वर्तमान में मतदान केंद्र सूने नजर आ रहे हैं। देखना ये होगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी, जिसको बिहार में 2019 के लोकसभा चुनाव में 40 में से 39 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, क्या 2019 के आंकड़ों को दोबारा दोहराया जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार के साथ मिलकर के गठबंधन हुआ है, वो इसी आधार पर हुआ है कि लोकसभा चुनाव में मजबूती के साथ यदि भाजपा चुनाव जीतती है तो केंद्र की सत्ता में वापसी का रास्ता, या यूं कहें कि हैट्रिक लगाने का जो सपना है वो पूर्ण हो सकेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।